पटना में केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह से एनडीए की मीटिंग में जब चिराग पासवान शामिल हुए तो प्रधानमंत्री का उनका गला लगाने वाला जो वीडियो था वो काफी चर्चा का विषय बना रहा और ये दिखा रहा था कि किस तरह चिराग पासवान की नजदीकी अब प्रधानमंत्री के साथ बढ़ती जा रही है। जिसके बाद अब केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और साफ तौर पर उन्होंने चिराग पासवान पर निशाना साधा क्योंकि अब एनडीए का हिस्सा चिराग पासवान की पार्टी भी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी अलग है और चिराग पासवान की पार्टी अलग है। हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं चलेगा। हमारी पार्टी पूरे तरीके से एकजुट है और हम भाजपा के सहयोगी दल हैं। हाजीपुर अगर चिराग के पिता की कर्मभूमि है तो मेरे भाई की भी कर्मभूमि है। रामविलास पासवान ने कहा था कि पारस तुम ही मेरे उत्तराधिकारी हो। हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं इंडिया गठबंधन का पार्ट रहूंगा, एनडीए का पार्ट रहूंगा और हरिपुर की जनता की सेवा करूंगा। अब चिराग पासवान से गले मिलना रिश्तों की राजनीति हो सकती है लेकिन मेरी राजनीति बिल्कुल अलग है। तो ये जो बयान दिया पशुपति पारस ने ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरह अब एनडीए के करीब चिराग पासवान जब जा रहे हैं तो पशुपति पारस भी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि परिवार में किसी दूसरे व्यक्ति पर उनको विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझको अपना उत्तराधिकारी चुना। इसलिए भाई साहब मैं आप तमाम लोगों को ये आगाह करना चाहता हूँ कि चिराग पासवान जी और प्रसूति कुमार पारस का जो गला में गला मिलते हुए आप देखे हैं वो एक रिश्ता अलग है, राजनीति का रिश्ता अलग है। चिराग पासवान अपने जगह पर है, मैं अपने जगह पर हूँ, लेकिन हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। इसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता और मैं पहले भी कर चुका हूँ कि मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं एनडीए गठबंधन का पार्ट रहूंगा, सहयोगी दल रहूंगा और मैं जब तक राजनीति में जिंदा रहूंगा मैं हाजीपुर की जनता की सेवा करता रहूंगा। झारखंड बिहार की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए देखिए न्यूज बाई स्कोप अब जियो टीवी पर भी उपलब्ध। इसके अलावा तमाम बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध है। बिहार में सिटी केबल पर चैनल नंबर 232 पर देखें लेटेस्ट खबरें और डाउनलोड करें प्ले स्टोर से न्यूज बाई स्कोप ऐप। 13 जुलाई को भाजपा प्रदर्शन के दौरान हुए लाठीचार्ज मामले को लेकर प्रदर्शन में घायल भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटना सिविल कोर्ट में एक साथ कुल 12 परिवाद दायर किया है जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और पटना एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों पर सिविल कोर्ट में एक साथ परिवाद दायर किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष कई मुकदमे दर्ज हुए हैं, लगभग एक दर्जन के करीब मुकदमे हुए हैं, उसमें अभी सभी जो इस मुकदमे के परिवादी हैं वो यहाँ उपस्थित हैं और भारतीय दंड संहिता के 307, 323, 324, 504 और 506 की धाराओं में बिहार सरकार के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के जिलाधिकारी और वहाँ उपस्थित तमाम वैसे पुलिस पदाधिकारी जिन्होंने जान मारने की नीयत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार किया है इसलिए सुसंगत धाराओं में यह मुकदमा दर्ज हुआ है। 13 जुलाई को जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं पे बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी द्वारा जो आदेश दे के पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग केस दर्ज करने आए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और जो वहाँ पे जिम्मेदार पुलिस पदाधिकारी थे उनके ऊपर हम लोगों ने आज केस दर्ज किया है। हमारी जो बहनें हैं आप देखे होंगे बीते दिनों कि किस तरह से उनसे बर्बरतापूर्ण उनके ऊपर प्रहार किया गया था, वो भी मेल पुरुषों के द्वारा। और ये प्रजातंत्र में सभी को अधिकार होता है अपने हक के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए सड़क पे उतरने की, लेकिन जिस तरह से यहाँ के जो इसकी जो सरकार है वो किसी को भी सड़क पे उतरने के बाद, आप शिक्षक अभ्यर्थी लीजिए या फिर आप किसान सलाहकार लीजिए और भाजपा के कार्यकर्ता, हमारे सांसद को पीटा गया, हमारे एक भाई शहीद हो गए इस बर्बरतापूर्ण व्यवहार में और हमारी 4-5 बहनें ऐसी है कि इमरजेंसी में एडमिट हो गई। परिवार